अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज का वीडियो बहुत अहम है और इसे आखिर तक देखिएगा। कैसे सरकारी महकमा में भी अब तसुब आता जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। वैसे एक अरसे से मुस्लिम समाज को लेकर नफरत परोसने का काम जारी रहा, अब इसके असरात भी नजर आने लगे हैं। खुद वजीर आजम भी यही कहते हैं कि दंगाइयों को उनके कपड़े से पहचाना जाता है। जाहिर है इन्हीं नफरती बयानात का असर समाज माशरे में पड़ता है। फिर नाम पूछ कर जान से मारना है, फिर रेल में बेगुनाह मुसलमानों को इनका चेहरा इनकी शनाखत की वजह से गोलियों से भून देना भी एक रस्म बन जाती है। आज कुछ इसी तरह की वारदातों का जिक्र करते हैं। अब तो मामले इतने बढ़ चुके हैं कि आप रोजाना सुनते देखते नहीं थकेंगे, लेकिन वारदातें मुस्तकिल जारी रहेंगी। और खास बात यह है कि जो जितना मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करेगा उसे उतना बड़ा रुतबा मर्तबा मोदी हुकूमत की जानिब से पेश किया जाता है। बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के खिलाफ सुनाया जाता है तो जज को राज्यसभा मेंबरशिप अता की जाती है। कोई फिल्म कश्मीर फाइल जैसी एक समाज को निशाना बनाने के बना दी जाती है तो उन्हें टैक्स फ्री कर दिया जाता है। गदर 2 को संसद में दिखाया जाता है, पर वही जवान को अब तक संसद में क्यों नहीं दिखाया गया, ये भी सवाल है। खैर, तवील फहरिस्त रमेश बिथूड़ी तक पहुंचती है, जहां बजाय दानिश अली को मुल्ला कटमुल्ला भड़वा देशद्रोही जैसे अल्फाजों से भरी संसद में कहा गया, पर बजाय उस पर कार्रवाई करने के उन्हें इनामात से नवाजा जाता है और राजस्थान का चुनावी जिम्मेदार बनाया जाता है। आपको मालेगांव धमाके का मुजरिम कर्नल पुरोहित तो याद होगा, ऊंचे ओहदे पर भी किस तरह की नफरत सीने में लिए खिदमात को अंजाम देते रहते हैं। करकरे को इसलिए कत्ल किया जाता है क्योंकि आरएसएस की दहशतगर्दों से सांठगांठ की पोल खोल रहा था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि साबिक पुलिस अफसर मुंबई एसएम मुशरिफ ने अपनी किताब के जरिए भगवा आतंकवाद को बेनकाब करने की कोशिश की। मतलब धमाके भी कोई और करता है और बेगुनाह मुस्लिम नौजवान सालों साल जेल में रहकर बेगुनाह करार दिए जाते, क्या ये मजाक नहीं तो क्या है। खैर, ईद मिलाद गणेश त्योहार इस बार साथ में ही है, पर कुछ जगहों पर तशद्दुद कैसे बर्पा करने की कोशिश जारी है इसकी मिसाल आज भी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुजरात और बिहार की तस्वीरें, जहां मिलाद के परचम बैनर लगाए गए उसी जगह पर जानबूझकर विसर्जन का जुलूस लेकर पहुंचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ये वीडियो बिहार सिवान का बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। आखिर में एक बहुत अहम खबर भी आपको बताता चलूं कि ईद मिलाद का जुलूस जो कल भी निकला था आज भी है और कल भी कई जगहों पर निकाला जा रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर कुछ जगहों पर मुलतवी किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन तमाम वारदात के लिए मुसलमान भी खुद कैसे जिम्मेदार है। वो खुद ही मुसलमानों के खिलाफ इन ईद मिलाद के जुलूसों में नफरती नारे कैसे लगा रहा है और उस पर जमीयत उलमा ने कार्रवाई का मुतालबा भी किया है, वह आगे वीडियो देखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो सीवान और गुजरात का वीडियो वायरल भी हो चुका है, गुजरात के नर्मदा जिले में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। खैर, और भी वारदातें पेश आई है। आज एक और मुस्लिम की मॉब लिंचिंग की गई। महज कल आपने देखा होगा कि पूजा की थाली से केला खाने पर गरीब मजदूर इसरार का कत्ल किया गया था। आज जयपुर राजस्थान में मोटरसाइकिल टक्कर का बहाना बताकर लाठी डंडों से पीट कर इकबाल नाम के एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। इस मॉब लिंचिंग में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब असल बात का जिक्र करते हैं। कैसे फौजी छुट्टी पर आता है तो ये सोच कर आता है कि क्यों ना 10-20 मुस्लिम नौजवानों को फर्जी मुकदमों में फंसा दूं। जी हाँ, बात करते हैं शाहीन कुमार की, जो केरला का शहरी है और आर्मी का जवान है। शाहीन कुमार अपने घर छुट्टी बिताने आता है, उसने सोचा छुट्टी पर हूँ क्यों ना 10-20 मुसलमानों को फर्जी केस में गिरफ्तार ही करवा दो और उनकी जिंदगी को तबाह कर दो। उसने मंसूबे के मुताबिक ऐसा ही किया और अपने दोस्त जोशी से खुद पर हमला करवाया और पीठ पर पेंट से बैन तंजीम का नाम यानी कि PFI लिखवाया। बाद में वह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि मुझ पर कुछ बदमाशों ने हमला करते हुए मेरी पीठ पर PFI लिख दिया है। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज करते हुए जांच शुरू की तो पाया कि सेना का जो जवान छुट्टी पर आया था वही शाहीन कुमार ने अपने आप को मशहूर होने के लिए अपने दोस्त जोशी के जरिए खुद पर हमला करवा कर पीठ पर PFI लिखवाया। अब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की तो जवान के दोस्त जोशी ने बताया कि शाहीन कुमार मशहूर होना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे खुद पर हमला करवाया और मुझसे पीठ पर PFI लिखने के लिए कहा। मैंने पीठ पर PFI की जगह DFI लिख दिया था क्योंकि मुझे सुनने में वैसा आया था, फिर बाद में उस डी को हटाकर PFI वगैरह लिख दिया। इस खबर पर तवज्जो करने की जरूरत है क्योंकि सेना का जो जवान है उसे कसम खिलाई जाती है, लेकिन किस तरह की ज़हनियत इनके सीनों में पल रही है यह सोचने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस ने सेना के शाहीन कुमार को और उसके दोस्त जोशी को गिरफ्तार करते हुए लिखने के इस्तेमाल की गई चीजें यानी कि पेंट ब्लेड टेप ब्रश वगैरह जवान के घर से बरामद किया है।
एक हाथ बात सामने आ जाती है तो तस्करा किया जाता है। बेलगाम जिला और अतराप में भी बजरंग दल के तरबियती कैंप चलाए जाने की खबर बारहा हासिल होती रहती है, बाज़ वक़्त तो तस्वीरें भी शाया होती रहती है सोशल मीडिया पर। इंतजामिया को चाहिए कि जहां भी इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है कार्रवाई करे और इलाके के अमन को कायम रखे। किस कदर नफरत पैवस्त होती जा रही है, स्कूल के छोटे बच्चों से लेकर असातिज़ा उस्ताद तलबाओं में सरकारी दफ्तरों में तक इस तरह का जहर दाखिल हो चुका है। अस्पतालों में बैंकों में बुरखा पहनने पर एतराजात दर्ज किए जा रहे हैं। मुल्क में रोजाना की वारदातें आखिर क्या इशारा कर रही है ये भी उतना ही जरूर है। अब कुछ मुकामी खबरें। रियासत कर्नाटक के 3 वजरात को जान से मारने की धमकी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसमें बेलगाम जिले के सतीश जारकवाड़ी, दिनेश गुंडूराव और प्रियांक खड़गे का नाम शामिल है। बेलूर के स्वामी निजगुणानंद स्वामी का भी नाम इसमें शामिल है। 3 वजरात के साथ और भी दिगर इल्मी दानिशोरों के नाम बताए जा रहे हैं। खत में धमकी भरा लहजा और कहा है कि तुम इंसान की शक्ल में हैवान हो। आगे 3 वजरात के साथ स्वामी जी से मुखातिब होते हुए कहा गया कि तुम हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले शैतान हो, तुम अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़े हो, तुम्हें मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पापों का खात्मा जरूरी है और तुम्हारी मौत को कोई टाल नहीं सकता, ऐसा भी लिखा गया। क्या इसके पीछे किसी हिंदुत्व तंजीम का हाथ है, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कलबुर्गी, गौर लंकेश जैसे इल्मी माहिरीन का कत्ल हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से किया जा चुका है और इसमें बेलगाम शहर और अतराफ के लोगों की हिमायत और ताउन भी हासिल रहा है। अब तक इसके पीछे कौन है इसकी तहकीक जारी है, पहचान अब तक नहीं हो पाई है, पर इतना जरूर है कि इस गुमनाम खत का चर्चा हर तरफ हो रहा है। बेलगाम शहर ईद मिलाद की रोशनाई से चमक उठा है, हर जगह पर अलग अलग मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। कल मिलाद का जुलूस जिना चौक से शुरू होगा और असद खान दरगाह इहाते में अख्ताम पजीर होगा। गणेश विसर्जन की वजह से 28 तारीख का जुलूस कल इतवार 1 अक्टूबर को निकाला जा रहा है। आखिर में बात यह है मित्रों, जैसे कि हमने पहले कहा था कि किस तरह से मुसलमानों में आपसी नफरत देखी जाती है, इस वीडियो को देखने के बाद सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कह सकते। आखिर किसी और मसलक जमात को लेकर किस कदर इंतहा की नफरत हमारे आपस में देखी जाती है, आखिर इतनी नफरत इन्हें सिखाता कौन है और कहां से ये नफरत लाई जाती है, आप इस वीडियो में देखिए, क्योंकि ये नौजवान नस्ल जो आने वाली मुस्तकबिल बनाने वाली है, इनके दिलो जहन में किस तरह एक दूसरे मुसलमान को लेकर कैसी नफरत और जहर इनके अंदर पैवस्त है। इसके बाद मुसलमानों के इत्तेहाद पर बोलने के लिए मेरे पास तो लफ्ज नहीं है। बात यही नहीं खत्म हो जाती बल्कि जमीयत उलमा खंडवा ने इस पर कार्रवाई करने के लिए खंडवा पुलिस थाने का रुख किया है। इन तमाम मामलों पर नजर डालने के बाद ऐसा लग रहा है शायद इस दौर के मुसलमान मार ही खाने के काबिल है, और जिस तरह से हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से धर्म संसद बुलाकर मुसलमानों की नस्ल कशी का ऐलान किया जा रहा है, इसके लिए तो खुद ही ये कौम मुस्तहक होती जा रही है। कैसी नफरत है आज भी हमारे अंदर, ताज्जुब होता है सुनकर देखकर। वाकई इस वीडियो ने तो बहुत ही गमजदा कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें एक और नेक होने की हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मुस्तफा के नूर महात्मा के दिल का चैन आदमी आतंकवाद देवबंदी आतंकवाद राहुली आतंकवाद मतलब के आला हजरत मजारे आला हजरत।